जागृत था रंग नच हो चूड़िया बालू मेरी गली पिया के संग परदेशी का ईद के देखा ईद पे मेरी 30-35 साल की उम्र होगी 17-27 उसके बीच में जिस जगह 30 जगह देखता मेरा रंग और संग मेरी गलती चीज तो मैं कुछ नहीं रहता मुझे पहली क्या तो मैं बोल रहा हूँ मेरा पति जो है वो मर गया मैं राम औरत हूँ ये सलाह औरत तौर से भी मेरे पैर में इतनी चीज नहीं है उसे तो पूछ गया इसलिए मेरे नाथ में नाथ नहीं आठ में छोड़ नहीं काम में बाली नहीं एक दिन में तो बुझा दे रहे थे और इतने मैंने प्रेत में खाल का खोया आया कहने दो दाम रंगा जानू जमीन जानू रंगा सतत रूप पर रंगा फट आया ऐसा लगा सुनो भाई ओ शहर बंदे का तम रोज जवाब करो यार कभी नमक ही कहने उनको कर रहे थे तो मगर भी ठीक है वो इस रंगे में कहते हैं राव शहर के फिर Oh,
हाथ उतार ली और हाथ में बोली और चमके पसंद था लिए गडवा उठा ली। जिस भगत जन में दो दस नगर थे गडवाए और खा ली, दो भी जन में उठाए और बुक बुक से दूसरी दबाए सुनने सूझ बेटा और चलने का इरादा करा और जात में तो शर्म की सूझ निकली बोल सुनी और इतना दासना की और जोर की बहुत मोहब्बत होती है। एक नाथ है उसी नाथ में और जो दस में है उसे वो उठा कर सजा जात में लगी नाथ में तो फिर रोते बढ़ बढ़ जा के बाद अभी दासना में क्यों हो रहा मन लगा मैं दबके से तो गोल में दबके लिए हमको दवा आता कम लगा तो दवा ये रचना तीन चीज रहे उसकी आज ये की गई वह कोई कहा मैं जिस दिन तेरा ब्याह ही आई थी ना उस दिन मेरे दांत में बड़ा दांत दिया था बड़ा दाम दिया था बड़ा दोष दिया था और दोष से प्यारी के दर्शन किए थे दांत के बीच में दांत गई मेरे दांत में दोष से प्यारी तुम जो चीज खाई बाजार में मर भूमि के वाली चेतके के बीच में जितने विजय के खादर में देख देख कर खा लिया आज तीन चीज रहे रुपया भी मैं देख चल दिया खबर करके बैठ गया राम करते हैं तो इंसान को प्रगत करवा बहुत बुरा होता है। जब इंसान लाचार हो जाता ना फिर बच्ची बारी धर्म जी का सारू जहां आराम से बैठ और रंग के राज किसने सुनी जसमत ने कहा मगर देखता था देखिए छान में मान से गया था और उसमें तो जवानी आवाज भी है जवानी आवाज की रंग की आवाज आती है देखना क्या बात है वो दिन सौर हमारे दूर से गया ना कहा वो तो तुम यह चोर के डाकू तो खाद आदमी दिखा डाका मारे जा रहा है कुछ और मुझ गया आई दो शाम में से कभी बस में खाई जाता है देख तो बला के बला रोना सुनता रसाल सुनी मतबरछी खाली रे खड़ा रे ये जमींदारी जोड़ी भाई दर्दों में से छुट गए गदला उठाई आवाज सुनी हाँ मैं उसका सारा गांधी का जान ऊपर का गांधी जरा खुद जी तो राजपूत में बात जाड़े तो खड़े हैं हम हम इस तरह काम जाए जो सब रानी का भगत देवी का अगर कुछ कर तो खान भी तो नहीं मिला जब तक फिर घर फरसुंदा आ जाए हाँ और दिन में बर्तन छाप जो कि जमीन के ऊपर गिर गया था उस राम सिंह ने कहा जा तू चोर है कोई डाकू है हम तो खाए तो बस जो आदमी खाए तो मेरे चलो था वो बुलावा तो मैं डब्बा का और जसमत को दौरा खड़ा कर दिया तो मुझे बोता क्या बात है तुम मुझे तुम सुबह उसमें क्या बात है तुमको क्या बात है क्या नाम है तेरा सच बतला ये क्या था वो बर्तन क्यों उठाए चोरी क्यों करी जो आगे कम लगा जी चोरी क्या रही चोरी करी तो फिर देश बात में तुम पर और बात बतला क्या वो रहा था उनका जो कर्म सामने को तू कौन है ये किस्म की जाड़ है आप ये बताओ आपके दौलत खान में किस जगह है और आपका हिस्सम शरीर क्या साल सुन क्या मजा जाओ उसकी बात तोड़ मत में वो की तो नहीं और पूछा दौलत खान मेरे हिस्सम शरीर जसमत खान मगर देता ये जमींदार है जमींदार में जमीन पर की समाई होती है उनकी लाखों के ऊपर कलम दबा जाग रहा है और उनका सहराम जो होता है वो सादा उदास होता है भाई आपको पता नहीं कौन उम्र कम लगा मेरे को कोई पता नहीं तुम्हें कौन लगा मैं राजा दशमत और मैं तो चुमारवाड़ का सरदार 2,80,000 का सिंह मेरे बादशाह के दरबार के बीच में चौथे पड़ाए की मजबूत तो मिली जादू की आंख से पानी आया और रो के अब आज जोर के अब जसमत के सामने अब क्या जवाब करता है और क्या बात बनती है तो भाई Thank you.
എല്ലാം നമുക്ക്